एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भूमिका कुमारी 999। अगर घर में कोई सब्जी ना हो और अगर आ जाए मेहमान तो हम सोचते हैं क्या बनाएं जो झटपट से कुछ देर में बन जाए, यानी कि बहुत कम समय में बन जाए। तो आज कुछ ऐसी ही रेसिपी आपसे शेयर करेंगे, यानी कि पालक कतली रेसिपी, जिसे हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और नए तरीके से। तो वीडियोस को फ्रेंड्स पूरा देखिएगा और बिल्कुल भी इसकी मत कीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इधर मैं ले रही हूँ 250 ग्राम पालक लिया है मैंने। इसे अच्छे से धोकर साफ़ कर इसके पीछे की डंडी को हटाकर मैंने इसको इस तरीके से कट कर लिया है। और कट करने के बाद अब मैं इसको ऐड कर दूँगी एक बड़े से बर्तन में, यानी कि बाउल में। साथ में ही ऐड कर रही हूँ 1 कप इधर मैंने बेसन लिया है, उसको भी मैं ऐड कर रही हूँ। और इधर मैं ले रही हूँ 1 बड़ा चम्मच यानी कि टीस्पून कोरिएंडर सीड्स, इसको मैंने दरदरा कूट लिया है। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और बहुत अच्छा टेस्ट भी आएगा। साथ में ही इधर मैं थोड़ा सा इसके अंदर ऐड कर रही हूँ ब्लैक पेपर पाउडर, और उसके साथ में ही 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, साथ में ही 1 चम्मच जीरा पाउडर और टेस्ट अकॉर्डिंग नमक। नमक अभी हम इसी में इतना ही रखेंगे क्योंकि आगे भी हम नमक यूज़ करेंगे। तो 1 टीस्पून मैं इसके अंदर हल्दी पाउडर का ऐड कर दे रही हूँ, और सूखा धनिया 2 बड़े चम्मच, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका एक हम बैटर तैयार कर लेंगे। और फ्रेंड्स, हमें ज़्यादा मतलब कि इसके अंदर पानी ऐड नहीं करना है, जिससे कि ये पतला हो जाए, बस उतना ही रखना है ये थोड़ा सा थिक रहे और ना ही ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में रहे। तो आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी मैंने कुछ इस तरीके से रखी है। अब इधर मैं एक प्लेट ले रही हूँ, उससे मैं ग्रीस कर लूँगी ऑयल से। ग्रीस करने के बाद ये सारा जो अपना पालक बेसन का बैटर था मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। और फ्रेंड्स, आप अपना जिस भी बर्तन में कर रहे हैं, प्लेट या थाली में, उसको एक बार ऑयल से ज़रूर ग्रीस कर लें, ताकि ये जो अपना बैटर था वो चिपकेगा नहीं। तो इसको हम चारों तरफ फैला देंगे, और ये देखिए मैंने इसको चारों तरफ फैला दिया है। अब करना क्या है, मैं इधर गैस पे रख दूँगी कढ़ाई, उसके अंदर मैंने 1 से 1.5 गिलास यानी कि 1.5 कप पानी ऐड कर दिया है, और उसके ऊपर मैंने स्टैंड रख दिया है। स्टैंड के ऊपर मैंने इस तरीके से इसको प्लेट को रख दिया है, और मैंने इसे कवर करके बॉईल होने के लिए मैंने छोड़ दिया है, मतलब कि मीडियम फ्लेम पर। इधर दूसरी तरफ मैं गैस पे रख दूँगी कढ़ाई, इसके अंदर मैंने ऑयल ऐड कर दिया। ऑयल जब गरम हो जाए तब इसके अंदर 1 टीस्पून जीरा और 2 सूखी लाल मिर्च मैंने ऐड की है। साथ में इधर 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिया था, उसको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया था, यानी कि कट कर लिया है मैंने। और इसे हम भून लेंगे जब तक ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। साथ में इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दिया है, यानी कि जब प्याज आधा पक चुका था उसके बाद मैंने इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया है। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए प्याज और लहसुन और अदरक अच्छी तरीके से भून जाए, तब इसके बाद हम मसाले ऐड करेंगे। मसाले में 1 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून मैंने कोरिएंडर पाउडर, और 1 टीस्पून मैंने इधर रेड चिली पाउडर और काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है मैंने। इस सब्जी के अंदर कलर लाने के लिए मैंने इधर काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का ऐड किया है, ताकि इसके अंदर बिल्कुल भी मतलब कि ज़्यादा मिर्च नहीं होती है। और फ्रेंड्स, इधर मैं टेस्ट अकॉर्डिंग इसके अंदर नमक ऐड कर दिया है, साथ में इधर सूखी कसूरी मेथी भी ऐड कर दी है। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है सब्जी के अंदर। अगर आप चाहते हो इसका इस फ्लेवर पसंद है तो आप ऐड कर सकते हो, नहीं तो स्किप भी कर सकते हो। जब ये सारे मसाले अच्छे से अपने भून जाएँ, तब इधर मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, उनका मैंने पेस्ट तैयार कर लिया था। तो मैं उस पेस्ट को अब इस कढ़ाई में यानी कि मसाले के अंदर ऐड कर दूँगी और इसे अच्छे से भून लूँगी। मीडियम फ्लेम पे हमें 1 से 1.5 मिनट तक इसे मसालों को भूनना है। और जब तक हम इधर देख लेते हैं, तो आप देख सकते हैं ये देखिए जो हमने बैटर ना पालक का और बेसन का बना के इस कढ़ाई के अंदर बॉईल होने के लिए रखा था, वो अच्छी तरीके से बॉईल हो चुका है, आप देख सकते हैं।
और जो अपना चक्कू था वो भी बिल्कुल क्लीन निकल रहा है। इधर हम मसालों को देख लेते हैं, तो इधर मसाले हमारे भून चुके हैं, आप देख सकते हैं मसाले में से ऑयल रिलीज़ हो चुका है। तब इसके अंदर 1 से 1.5 कप हमने पानी को ऐड कर दिया है। तो फ्रेंड्स, इधर आप पानी अपना अनुसार रख सकते हैं, जिस तरीके की आपको ग्रेवी चाहिए उस तरीके का आप पानी को भी ऐड कर सकते हैं। तो इधर मैं इसे कवर करके पकने दूंगी और एक उबाल आने के बाद इसको गैस की फ्लेम को मैं लो कर दूंगी। इधर मैं इसकी कतली काट लेती हूँ, तो आप देख सकते हैं पहले मैंने इस तरीके से चारों तरफ से पहले मैंने छुटा लिया है नाइफ़ की मदद से, और अब मैं इसको पीसेस में कट कर लूँगी। आप चाहो तो फ्रेंड्स उस अनुसार आप कर सकते हैं, जिस तरीके के आपको पीस रखने हैं छोटे या बड़े, उस तरीके की आप इसकी कतली काट सकते हैं। तो इधर देखिए मैं इसकी इस शेप में इसकी कतली काट रही हूँ। और फ्रेंड्स, ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है, आप भी इसे अपने घर पर एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मैं इसे एक बार छुटा लेती हूँ, देखिए ये बहुत आसानी से छुट भी जाती है। मैं आपको दिखाती हूँ छुटा के, ये देखो बिल्कुल अच्छी तरीके से छुट गई है। इसी तरीके के हम सारे पीसेस को इसके अंदर से निकाल लेंगे। और फ्रेंड्स, ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा। एक बार चलते हैं कढ़ाई की तरफ, देख लेते हैं। तो इधर मसाले थे वो काफ़ी अच्छी तरीके से पक चुके हैं, तो 1 से 2 बार इसे हमने अच्छे से उबाल आने के बाद इसके अंदर जो कतली थी वो उसको ऐड कर देंगे अब हम। तो इसे हम इसके अंदर सारी कतलियों को ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद इसे हम 4 से 5 मिनट तक और पकने देंगे। तो अब हम इसे कवर कर देंगे इसे मिक्स करने के बाद, ताकि मसाले के फ्लेवर इस कतली के अंदर भी आ जाएं। अगर फ्रेंड्स आप चाहते हो तो इन कतली को आप ना ऑयल में फ्राई करके चाय टी टाइम पे भी आप इसे ले सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती हैं ये। तो अब हम इसके अंदर उबाल आने देंगे, और 1 से 1.5-2 उबाल आने के बाद, मतलब कि एक बार हम इसे फिर से चेक कर लेते हैं, जो कतली थी उनको उलट पुलट कर देते हैं, ताकि मतलब कि सब तरीके से ये पक जाए, बिल्कुल भी कच्ची ना रहे। और अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको हम एक बार फिर कवर करके पकने देते हैं, यानी कि 1 मिनट तक और बॉईल होने देते हैं। और साथ में इसके अंदर ऐड कर देंगे हरी मिर्च, और थोड़ी देर बाद देखिएगा, ये देखिए आप बिल्कुल अच्छी तरीके से पक चुकी है सब्ज़ी हमारी, बहुत अच्छा इसके अंदर कलर आ गया है और बहुत ही मतलब कि टेस्टी दिख रही है, बिल्कुल यम्मी लुक। तो अब गैस की फ्लेम को हम कर देंगे बंद, और इसे मैंने हरी धनिया पत्ता से गार्निश कर दिया है, इसके अंदर ऐड कर दूंगी। अब मैं इसको सर्विंग प्लेट में सर्व कर लेती हूँ। आप चाहो तो इसे चावल के साथ खाइएगा, या फिर रोटी के साथ खा सकते हो, किसी के साथ भी आप इसे खा सकते हो, जिससे आपको पसंद लगे। पर ये सब्ज़ी बहुत ही वाकई बहुत ही टेस्टी बनती है। तो फ्रेंड्स, आप भी इस रेसिपी को अपने घर पे ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाती हूँ कितनी बढ़िया हमारी सब्ज़ी बनके तैयार हुई है। इसको बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, और जब भी आपके घर पे कोई सब्ज़ी ना हो तो आप इसे झटपट से बना भी सकती हैं। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियोस में कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्ते एंड गुड बाय।